आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। दिल्ली पहुंचे हेमंत सोरेन ने सोनिया से की मुलाकात, बोले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे राहुल गांधी। दूसरी खबर, शहीद निर्मल महतो को श्रद्धांजलि अर्पित की हेमंत ने, कहा झारखंडी वीर सपूतों के सपनों को पूरा करने का वक्त। तीसरी खबर, लालू से मिलकर तेजस्वी ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे राजद सुप्रीमो। चौथी खबर, रघुवर दास के खिलाफ जामताड़ा में FIR, हेमंत ने SC ST उत्पीड़न का लगाया था आरोप। पांचवी खबर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा का अपने पद से इस्तीफा। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। झारखंड के भावी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में हेमंत सोरेन ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रण भी दिया। हेमंत को सोनिया ने कहा कि समय रहा तो वह जरूर आएंगी, लेकिन राहुल जरूर जाएंगे। दोनों के बीच करीब 25 मिनट तक बातचीत हुई। इस बातचीत में गठबंधन के सहयोगी दलों से कौन कौन मंत्री होंगे इस पर चर्चा हुई। साथ ही तय हुआ कि साझा मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार काम करेगी। सोनिया से मिलने के बाद हेमंत ने पत्रकारों को बताया कि वे चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भाजपा के वरिष्ठ नेता के रूप में देखा। वे मेरे खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन सच यह है कि मोदी प्रधानमंत्री हैं और शाह गृह मंत्री। शपथ ग्रहण समारोह में इन दोनों को न्योता दूंगा। हेमंत ने दिल्ली में कांग्रेस के अन्य शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात की। उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी RPN सिंह, उमर सिंघार और छत्तीसगढ़ के मंत्री PC सिंहदेव भी दिल्ली गए थे। हेमंत ने एक सवाल के जवाब में कहा कि बहुमत की सरकार है, पूरे 5 साल चलेगी और जनता की सेवा करेगी। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल गठन पर चर्चा भी होगी। शपथ ग्रहण समारोह के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं को भी हेमंत ने आमंत्रण दिया। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। झारखंड अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलन की बागडोर संभालने वाले निर्मल महतो को उनके 59वें जयंती के अवसर पर जेल चौक स्थित प्रतिमा पर हेमंत ने माला अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। भावी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा कई छात्र संगठनों ने भी माला अर्पण किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर हेमंत सोरेन ने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद कहा कि निर्मल महतो के रास्ते पर चलकर ही इस राज्य का विकास किया जा सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा निर्मल महतो के अनुसरण पर ही आज यहां तक पहुंची है और आगे भी इनके बताए रास्ते पर ही चलकर राज्य का संपूर्ण विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंडी वीर सपूतों के सपनों को पूरा करने का वक्त अब आ गया है। जनता ने जिस उम्मीद के साथ महागठबंधन को जनादेश दिया है, उसे पूरा करने का काम किया जाएगा। यहां से हेमंत सोरेन दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके पिता लालू यादव झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनने वाली नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। बुधवार को रांची के रिम्स में अपने पिता से मुलाकात के बाद तेजस्वी ने लालू के स्वास्थ्य पर चिंता जाहिर की। तेजस्वी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजद दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ेगा। पिता लालू प्रसाद यादव से दिल्ली चुनाव की तैयारी में जी जान से जुटने का निर्देश मिला है। दिल्ली में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा जाएगा। बिहार के चुनाव को लेकर भी लालू प्रसाद यादव ने जनता को संदेश दिया है। जिन लोगों ने धर्मनिरपेक्षता का चोला पहनकर जनादेश का अपमान किया है, बिहार की जनता उनको सबक सिखाएगी। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। जामताड़ा जिला के मिहजाम थाना में बुधवार को राज्य के पूर्व CM रघुवर दास के खिलाफ मिहजाम थाना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार उत्पीड़न के तहत मामला दर्ज किया गया है। 25 दिसंबर को यह FIR दर्ज किया गया है। उक्त मामला झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के भावी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिखित आवेदन पर मिहजाम थाना में मामला दर्ज किया गया है। ज्ञात हो कि विगत 18 दिसंबर को झारखंड विधानसभा के 5वें चरण के अंतिम चुनाव प्रचार के दौरान रघुवर दास ने हेमंत सोरेन के विषय में आपत्तिजनक टिप्पणी सार्वजनिक स्थल पर पार्टी मंच से अपने संबोधन में किया था। इसे लेकर झामुमो नेता हेमंत सोरेन ने दुमका मुफसिल SC ST थाने को आवेदन देकर मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ मामला दर्ज करने को संबंधित थाना प्रभारी से आग्रह किया था।
जहां उक्त थाना प्रभारी ने हेमंत के आवेदन पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि चूंकि मामला मिहजाम थाना जामताड़ा से संबंधित है, अतः मूल आवेदन पर अग्रेतर कार्रवाई हेतु संबंधित थाना को भेजा जा रहा है। अब नजर डालते हैं आज की पांचवी प्रमुख खबर पर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को भेज दिया है। इस्तीफा में उन्होंने प्रदेश में भाजपा की हार की जिम्मेदारी को स्वीकारा है। बता दें कि लक्ष्मण गिलुवा स्वयं भी चक्रधरपुर विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी चाईबासा सीट से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।